रऊफ हसन पर हमला, असल कहानी क्या है? अताउल्लाह तारड़ के बयान ने सबको हैरान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर इत्तलात और नशियात अतातारण का कहना था कि रऊफ हसन के साथ जो हुआ उसके मजम्मत करते हैं, हमने उनके साथ इकट्ठे काम किया हुआ है, वो 2013 से 2015 तक शहबाज शरीफ के मुशीर इत्तलात रहे हैं। अतातारण ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, मैं जिस हलके में रहता हूँ वहाँ 5000 ख्वाजा सरा रहते हैं, ये वाक़ा जितना अफसोसनाक है उतना ही जरूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए और तह तक पहुँचा जाए। सहाफियों का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। अतातारण का मजीद कहना था कि ख्वाजा सराओं वाला जो मामला है उनको अगर जेर हिरासत लिया जाए और तहकीकात की जाए तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। ऐसा वाकया दूसरी बार पेश आया है, इससे पहले समी इब्राहिम के साथ ये सब हुआ था। डी चौक पर मुजाहरीन पर गाड़ी चढ़ाने वाले को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए।